अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? आप लोगों को वीडियो भी नहीं आ रही? जस्ट अ मिनट। जी सुना है, कितने जो है वो साइट्स बाय कर ली हैं? अच्छा गुड, अच्छा गुड। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ग्रुप में पोस्ट कर दो और अपने वॉल पे भी पोस्ट कर दो कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है फेसबुक वॉल पे। ओके, अभी आज जो है इंशाल्लाह एक ऐसा मेथड और बताऊंगा जहां पर आप लोग फ्लिपा से ज़्यादा महंगी अपनी वेबसाइट बेच सकते हो। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को डिफरेंट सोर्सेज बताना, आप लोगों का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। फ्लिपकार्ट से ज़्यादा महंगी साइट्स बेचने का एक नया सोर्स बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग होगी कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ प्रीमियम डोमेन। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है How to sell your premium domain in $5 or $9। ठीक है, उसकी वजह यह है कि मैंने हालांकि पहले भी वेबिनार किया है कि कैसे आपने अपने डोमेन्स को बेचना है, बट काफ़ी लोगों के जहनों में कन्फ्यूजन्स है कि अब क्या करें, हमने प्रीमियम डोमेन तो बाय कर लिया, अब क्या करें। ठीक है, तो वो बेसिकली हाँ पहले वाले जो थी ना वीडियो क्रैश हो गई थी। ठीक है, वो फिर मैंने दोबारा से बना के जो है वो अपलोड की थी ताकि प्रीमियम डोमेन जो है लोग बाय कर सकें। ठीक है, अच्छा जो सोर्स आज बताऊंगा ना, ये डोमेन सेल करने का नहीं है, ये मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं चीज़ को हमेशा क्लियर रखता हूँ, मैं धोखे में नहीं रखता, ना ही मैं ट्रैक से नीचे उतारता हूँ। मेरी आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी इसलिए मिलते हैं कि अल्लाह ताला मेरे जो है वो मेरी नीयत को जानता है। अल्लाह ताला ने मुझे सक्सेस दी है तो इस वजह से अल्लाह ताला मेरे स्टूडेंट्स को भी सक्सेस दे रहा है। आप लोगों को आज दो गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं। गुड न्यूज़ उनके लिए जो रियली जो है वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए नहीं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं। बेसिकली क्रिटिसाइज़ तब किया जाता है बेसिकली जब कोई इंसान कोई गलत काम कर रहा हो। ठीक है, मैं समझता हूँ चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास जो तजर्बा है वो कोई जो है वो उससे ज़्यादा किसी के पास तजर्बा नहीं होगा, बट बात यह है कि मैं चीज़ों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट से देख रहा हूँ। फिर भी मुझे अगर आप आकर ये कहो कि ये ऐसे था ये ऐसे था तो फिर गलत हो जाते। सपोज़ अगर कोई मेरा ही स्टूडेंट मुझे सिखाने लग जाए चीज़ें तो वो तो गलत चीज़ है ना। एक स्टूडेंट है जिसने मुझसे सपोज़ एक साल लगाया और मुझसे कुछ सीखा है और वो मुझे मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस को चैलेंज कर रहा है, मेरे 11 साल के SEO के जो है वो एक्सपीरियंस को चैलेंज कर रहा है, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, अच्छा और बहुत से लोगों को ना मेरी जो बातें हैं वो लगता है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ,
बेसिकली कभी आप लोगों ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना नहीं होगा। वो जब बात करते हैं ना, तो अगर आप उनको देखो तो आप उनको भी ये देखकर कहोगे कि वो भी अपनी तारीफ कर रहे हैं। बेसिकली मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है काम में। मैं आप लोगों को अर्निंग के साथ साथ मोटिवेशन भी देता हूँ, और बहुत से लोगों को ये चीज़ तकलीफ देती है कि मैं मोटिवेशन क्यों देता हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं करता कि मेरे स्टूडेंट अच्छा जो है वो अर्न करें, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये मेरे स्टूडेंट की तारीफ हो रही है। मेरे मतलब जो मुझसे सीखेगा, जब वो सक्सेस हासिल करेगा तो मेरी सक्सेस है ना। मैं अपने लिए तो बहुत अच्छा कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 11 साल से बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, बट असल जो उस्ताद की जो वैल्यू होती है ना, वो उसके स्टूडेंट से होती है। ठीक है, तो बस ये चीज़ें थोड़ी सी थी मैंने क्लियर करनी थी, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो अजीब अजीब जो है वो बातें करने लग जाते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि सबको जवाब दूँ, ठीक है, सिर्फ उनको जवाब देता हूँ जो कुछ सीखना चाहते हैं, सिंपल है बात। ठीक है, ओके। न्यू सोर्स टू सेल योर वेबसाइट्स इवन हायर देन फ्लिपा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक वेबसाइट, सपोज आपकी वेबसाइट है $1,000 दे रही है, ठीक है, पर मंथ का, जस्ट आप लोगों को एग्जांपल समझा रहा हूँ। इस बात को समझने की कोशिश करना, चीज़ों को पॉजिटिवली लिया करो आप लोग, ठीक है। मैं डिसाइड किसी से नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे डिसाइड करने वाले शुरू के बहुत मौजूद हैं, मुझे सिर्फ अल्लाह ताला का साथ चाहिए और आप लोगों की दुआएं चाहिए, सिंपल, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जो खा रहा हूँ हलाल का खा रहा हूँ, और अपने जो है वो मेहनत करके खा रहा हूँ, सिंपल, मैं किसी से ले कर नहीं खा रहा। ठीक है, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता, सिंपल, अल्लाह ताला के डर के अलावा मुझे किसी का डर नहीं है। ठीक है, ओके, ये है $1,000 पर मंथ अगर आपकी एक वेबसाइट दे रही है। ठीक है, आप अगर चूज़ करते हो, मैं फ्लिपा को डाउनग्रेड नहीं कर रहा, फ्लिपा की अहमियत ख़त्म नहीं कर रहा, इस बात को क्लियर रखना है। ठीक है, देखो आप एक सपोज मैं मिसाल देता हूँ कि अपनी गाड़ी बेचने जाते हो, ठीक है, आप दो जगहों पे जाते हो, ठीक है, जहाँ पर आपको अच्छा रेट मिलेगा आप वहाँ बेचोगे ना अपनी गाड़ी। ठीक है, ऐसे ही हम अपनी वेबसाइट, हमारी एक वेबसाइट है $1,000 पर मंथ का दे रही है। ठीक है, एक मिसाल, तो फ्लिपा पे उसका जो है flipa.com पे वो बिक रही है $10,000 की, ठीक है, $15,000 की, ठीक है, और $20,000 की, मैं मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो नया सोर्स बताऊंगा ना उस पे वो वेबसाइट बिकेगी $25,000। ये मैंने जो है एनालाइज किया है, उसके बाद ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग जहन में रखना कि मैं कोई वो नहीं कह रहा कि लाइक मुझे किसी ने कहा है कि ये प्रमोट करो, ऐसे प्रमोट करो, नहीं, जो चीज़ मैं एनालाइज करता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे किसी ने कोई वो कोई पैसे नहीं दिए कि इस कंपनी को ये कह दो, इस कंपनी को ऐसे कह दो। ठीक है, मैं जो बात करता हूँ वो अल्लाह ताला जानता है कि मैं जो है फेयर होकर बता रहा हूँ, सिंपल, जिसको जिसने समझना है, जिसने अर्निंग करनी है समझ ले। ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग जो होगी ना बिल्कुल एंड में होगी, ताकि आप लोगों को आज का लेक्चर भी समझ आ जाएगा प्रीमियम डोमेन से रिलेटेड, और प्रीवियस वाला जिन्होंने देखा हुआ है, ठीक है, उससे ये होगा कि आप लोग ना अच्छा कमा सकते हो। ठीक है, और प्रीमियम डोमेन या आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छा बेच के ना इस सिस्टम को बेसिकली अडॉप्ट कर सकते हो। ये सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैंने अपनी जो है वो पहले भी वेबसाइट्स बेची हैं, तो ये है रिसेंटली जो मैंने वेबसाइट बेची है, डोमेन बेची है, ठीक है, वेबसाइट नहीं थी, जस्ट डोमेन थी। flipa.com पे जाओ, जस्ट सोल्ड पे जाओ, डोमेन्स में जाओ एंड जस्ट सोल्ड में जाओ। ठीक है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ वो मैं खुद भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि मैं सिर्फ सिखा ही रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ सिखाने का ज़्यादा जो है वो असर होता है जो आपने खुद भी की होती है। ठीक है, ये साइट है ये artculture.com, ये मैंने अपना एफबी वॉल पे भी पोस्ट की थी। ठीक है, ये मेरे SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग के थर्ड बैच के मैंने स्टूडेंट्स के साथ इन्वेस्टमेंट करवाई थी, ये मैंने पहले भी बात बताई हुई है, बट जो न्यू पर्सन हैं उनको बता रहा हूँ। ये जो है ये प्रीमियम डोमेन है, ठीक है, 13 साल पुरानी एज डोमेन है, नाम इसका क्लियर है, .com में है, क्योंकि .com एक्सटेंशन इज़ द मोस्ट
पॉपुलर कह लो, ठीक है। और ये एक्सटेंशन तो भाग के लेते हैं, लाइक अगर कोई कहता है कि वेल नोन कंपनी जो होती है मेरे से, उसकी चीज़ बहुत जल्दी बिकती है, ठीक है। मैं इसका मिसाल अगर सपोज कहूँ कि मोबाइल में अगर देख लें, ठीक है, सपोज सैमसंग है, ठीक है, नोकिया है, ठीक है, तो या आईफोन, एप्पल कंपनी का आईफोन है, तो ये बड़ी जल्दी आपके साइड जो है वो सेल होते हैं। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल ज़िंदगी से दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो ये जस्ट डोमेन थी, मैंने इसका लिस्टिंग लिखवाई जैनुल आबिदीन जो मेरा राइटर है उससे, और मुदस्सिर के ज़रिए इसको बेची थी मैंने, ठीक है। तो ये इस पर मेरा ख़र्चा टोटल हुआ था लिस्टिंग पे आई थिंक सो 700 रुपीज़ का या 1000 का हो गया होगा, ठीक है। बाकी जो प्रमोशनल मटेरियल है ना, ये मैंने खुद दिया था, लाइक ये वेबसाइट इतने में बिकी है, ये वेबसाइट इतने में बिकी है। तो आपने अपनी वेबसाइट के जो बेचनी होती है ना, उसको बेसिकली आपने बताना होता है कि न्यू बायर को कि ये कितने की जो है, इसकी क्या इसकी बेसिकली वर्थ है, आप ये कह लो, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो इस चीज़ का पता होना चाहिए आपको। तो जो न्यू सोर्स है इस पे $25,000, $30,000, तो इस तरह से ना इतना ज़्यादा जो है वो महंगी आपकी वेबसाइट बिक सकती है, 1,000 पर मंथ देने वाली साइट, बट आपके पास पूरा उसका जो है बेचने बेचते वक्त आपके पास पूरा वेरिफिकेशन के मेथड हो, लाइक गूगल एनालिटिक्स उस पर इंस्टॉल हो फॉर ट्रैफिक, ठीक है, जो आप वेबसाइट बेचोगे। मैं वेबसाइट की इस टाइम आप लोगों को जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनको वो वेबसाइट उनके पास है, वो अच्छा उनको दे रही है, वो कहते हैं कि हमारे पास एकदम से कैश आ जाए, ठीक है। और सोर जो है वो आप उसको वेरीफाई करवा सको, ठीक है। तो ये चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, 2 से 3 महीने का जो है वो अर्निंग का आपका प्रूफ होना चाहिए कम से कम, ताकि आपकी वेबसाइट अच्छी बिक सके, क्योंकि जो न्यू बायर होगा वो उसको समझने में आसानी होगी कि आपकी वेबसाइट में कितना जो है वो पोटेंशियल है जो आप बेचने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ कि $1,000 पर मंथ आपकी डोमेन आपकी वेबसाइट जो है वो कम से कम दे रही है, ठीक है। तो ये जब आप कॉन्सेप्ट के साथ आते हो ना, तो आप जो है फ्लिपा पे आप उसको जो है वो लिस्ट कर देते हो सपोज, ठीक है। फ्लिपा आपसे सपोज चार्ज चार्ज करेगा $19 या $100, ठीक है, मुख्तलिफ उसके हैं। मैंने फ्लिपा पे पहले भी आप लोगों को ट्रेनिंग दी है, बट आपने अब जो है एक नया सोर्स आप लोगों को बता देता हूँ, उस न्यू सोर्स का नाम है एम्पायर फ्लिपर, ठीक है, ये एग्जैक्टली इसका नाम है, ठीक है, एम्पायर फ्लिपर्स डॉट कॉम। समटाइम स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो वेबसाइट की स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने जो है वो इधर भी पेस्ट कर दी, ठीक है। ये वेबसाइट की इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डोमेन की इनकम की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, तो ये बहुत आसान आपका काम हो जाएगा अगर आप एम्पायर फ्लिपर्स डॉट कॉम पे वेबसाइट बेचते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है होम पेज पे जाना है, ठीक है, एम्पायर फ्लिपर्स डॉट कॉम ओपन करना है, ठीक है, और इन ये पूरी वेरिफिकेशन के बाद अपनी जो है वो वेबसाइट पे आपकी लिस्टिंग को ऐड करेंगे। आप अपनी वेबसाइट की वर्थ भी लगवा सकते हो, सी वैल्यूएशन, ठीक है, यहाँ पर जाकर आप अपनी अक्सर लोग हैं वो कहते हैं मेरी वेबसाइट मैं $1,000 कमा रहा हूँ, तो मेरी वेबसाइट जो है वो कितना जो है वो कितने की बिक सकती है, आप ये कह, ठीक है।
ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे रहता हूँ, और नहीं दे रहता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा साथ साथ गाइड भी कर दूँ ना। अक्सर लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है कि मैं अपनी वेबसाइट की वर्थ क्या जो है वो रखूँगा, या कितने में सपोज बेचूँगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसको मैंने जनवरी में बनाया, 2015 में, ठीक है। अच्छा, एडसेंस सपोज मैं इसको यूज़ करूँ, ठीक है, जस्ट मैं आप लोगों को वेबसाइट की जो है वो वैल्यू निकालने का तरीका कार बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम 5 घंटे काम करते हैं और हफ्ते में 5 दिन, 25 आवर्स, ठीक है, मंथली इनकम मैं कहता हूँ सपोज $1,000, यूनिक विजिटर मैं कहता हूँ 1 लाख है, एक्सपेंसेस लाइक होस्टिंग कितने की पर मंथ की, मैं सपोज मैंने VPS लिया हुआ है, $50 पर मंथ दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना ईमेल दूंगा, ठीक है, और ये आपको जो है वो ईमेल कर देंगे आपकी वेबसाइट के बारे में कि कितने की वेबसाइट होगी, या अपना ये एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आपको ईमेल में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और टूल है stbot.com, अक्सर लोग हैं उनको नहीं पता इस वेबसाइट का, ठीक है, ये भी फ्री, ये आप जो है साथ इसको लगा सकते हो, ठीक है। ये डोमेन का अप्रेजल टूल, लाइक और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि वेबसाइट जो है जब जब महंगी वेबसाइट्स बिकती है ना, वो क्यों बिकती है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बार बार मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास वेबसाइट है, इतना पर मंथ दे रही है, हमें पता ही नहीं कि कितने में हम हमारी साइट बिकेगी, तो बार बार क्वेश्चनिंग के बाद, ठीक है, अब ये इसकी वर्थ है $3,600, ठीक है, बट मैंने इसको सेल किया $2,000, मुझे ये पता था कि ये $3,000 की बिक जाएगी, बट मैंने इसको टाइम से पहले जो है वो बेच दिया, ठीक है, उसकी वजह ये थी कि स्टूडेंट्स के पैसे थे, तो जाहिर सी बात है अगर मैं उनसे पैसे ना जो इन्वेस्ट करवाता, उनके हौसले के लिए मैंने ये किया, ठीक है, अगर मैं अकेला इसमें इन्वेस्ट करता तो डेफिनेटली मैं इसको $3,000 से कम की ना बिकने देता, ठीक है, यानी ज़्यादा मैं मुझे होल्ड करना पड़ता बेसिकली, ठीक है, ये भी 3 दफ़ा मैंने साइट को लिस्ट किया, उसके बाद भी मैं जो है वो बिकी थी, जस्ट आप मुझे ये एक लाइव केस स्टडी कह लो शेयर इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या क्या होता है, ये नहीं होता कि पहली दफ़ा में आपने डोमेन या पहली दफ़ा में आपने वेबसाइट लगाई है और वो बिक गई है, ठीक है। ये देखिए, ये जब अगर ये HTML5.com बिकी है, ठीक है, उसने ये बताया हुआ था कि कितनी महंगी महंगी डोमेन्स बिकी हैं, उसने ना वैल्यू बताई है, लाइक ये इतने की बिकी है, ये इतने की बिकी है, ये देखो ज़रा पढ़ा करो, ठीक है, तो उसने बताया हुआ कि इतनी महंगी महंगी डोमेन्स बिकी हैं, उसने ये HTML5 11 साल पुरानी डोमेन है, ठीक है, एज्ड डोमेन है, ठीक है, 3 साल बाद एक्सपायर हो जाएगी, और ये इसको एडिटर्स चॉइस का अवार्ड भी मिला है बाय फ्लिपा, फ्लिपा वालों ने दिया है, $50,000 की ये बिकी, यानी 50 लाख पाकिस्तानी की, सिर्फ 33 बिड्स लगी हैं और वेबसाइट जो है वो बिक गई है, ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या हुआ, क्या है, कैसे हुआ, सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, ये तो था इनका वैल्यूएशन टूल, ठीक है, आपने जो है अगर अपनी वेबसाइट बेचनी है तो इनका एक पेज है हाउ इट वर्क्स, इस पे जाके सेल वेबसाइट पे जाके, ठीक है, या आप इनके होम पेज पे ना चैट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से इनसे जो है वो बात कर सकते हो, और डायरेक्टली जवाब सकते,
और जो है अगर आपने बायर हो फॉर बायर पे जाके, अगर आप सेलर हो तो फॉर सेलर, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट बेचनी है, फॉर सेलर पे जाके क्लिक किया, साइन अप पे कर रहे हैं, और जो जो ऑप्शंस वो पूछेंगे वो आपने ऑप्शन फिल करके, ठीक है। तो ये लाइक बायर वाला ऑप्शन ओपन हो गया, मैं अगर फॉर सेलर पे जाता हूँ, ठीक है, और क्लिक करना है इस पर, जो जो ऑप्शन वो पूछेगा फिल करके, उसके बाद जो है आप अपनी वेबसाइट को यहाँ लिस्ट कर सकते हो। और ये पूरी वेरिफिकेशन जो है वो खुद करते हैं, आपको एक एक जगह पे गाइड करेंगे एम्पायर फ्लिपर्स वाले, और आपकी वेबसाइट को का नाम भी इवन ये जो है वो हाइड रखते हैं, जब तक कि कोई प्रॉपर पर्सन जो है वो 5% एटलीस्ट, सपोज आपने कहा है कि मेरी वेबसाइट जो है वो $1,000 की बिके, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, तो एटलीस्ट 5% जो है वो उसका पे करेगा, देन जो है वो डोमेन का नेम देख सकता है, बाकी सारे जो है वो चीज़ें वो देख सकता होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, और यहाँ से आप लोगों को काफ़ी जो है हेल्प मिल जाएगी कि वेबसाइट जो होती है वो बाय फ्लिपर्स पे तो कैसे वो प्राइवेसी का कैसे ध्यान रखते हैं। तो इसमें मैं आ गया, एफिलिएट की एक साइट है, लिस्ट हुई हुई है, ठीक है, लिस्टिंग आईडी वगैरह बताई हुई है। अच्छा, यहाँ पे जो है लिखा हुआ आ रहा है कि यूआरएल आर ओनली विजिबल आफ्टर मेकिंग ए 5% रिफंडेबल डिपॉजिट, 5% आप डिपॉजिट लोग, इसकी प्राइस है 3,90,000, ठीक है, यानी कि ये तकरीबन पाकिस्तानी 4 करोड़ के करीब की वेबसाइट है, ठीक है, बहुत महंगी यहाँ साइटें बिकती हैं, ये कुछ छोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं है, हो सकता है आप लोगों को अब जाके इसके बारे में मालूम आती हूँ। अच्छा, इसकी जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक के बारे में यहाँ पर सारा बताया हुआ है कि $27,000 पर मंथ का ये वेबसाइट जनरेट कर रही है, कि मंथली एवरेज जो है $19,000 है, ठीक है, और ग्रॉस मंथली रेवेन्यू जो है $27,000 है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा ये वेबसाइट के बारे में बताया गया है कि 2014 में ये वेबसाइट, जुलाई 2014 में बनी है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये, ठीक है, सारा डिटेल वगैरह बताई हुई है, और ये अर्निंग का है, ठीक है, चार्ट, और ये पेज व्यूज़ हैं, ये यूज़र्स हैं, यानी कि ये यूनिक विजिटर है, ये पेज व्यूज़ हैं, ठीक है, इतना पर मंथ का, ये देखें ये सस्टेनेबल जो है वो अर्निंग दिखाई दे, कंटिन्यूसली बेसिकली ये अर्निंग कर रहे हैं, कभी इतना, लाइक 15,000, फिर 7,000, फिर 16,000, फिर 16,000, कहने से मुराद ये कि इस तरह मुख्तलिफ अर्निंग के जो है मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ अर्निंग के, और क्योंकि काफ़ी महीनों से ये अच्छी अर्निंग कर रही है वेबसाइट, इसलिए जो है इसकी प्राइस जो है ये यहाँ तक पहुँच गई, प्रूफ ऑफ इनकम ये है, ठीक है, ये गूगल एनालिटिक्स लगाया हुआ है जो बॉटम पे, और ये जो है वो बताया गया कि इतनी अर्निंग हुई है, सेल की ये कॉस्ट थी, प्रॉफिट ये हुआ, ठीक है, हाईलाइट थिंग, TLD.com डोमेन है, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है, एफिलिएट से कमा रही है, ठीक है, और वर्डप्रेस पे ये साइट बनाई गई है, मोज की जो डोमेन है 3014 है, अलेक्सा रैंक ये है, ठीक है, 44 बैकिंग्स बने हैं साइट के, तो इस तरह से जो है वेबसाइट आपकी जो है एम्पायर फ्लिपर्स पे अच्छी बिक सकती है, कि आप जो है, और ये एम्पायर फ्लिपर्स पे अगर आपने बेची है वेबसाइट तो कम से कम $1,000 पर मंथ का जनरेट करती हो, चाहे एडसेंस से, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग से, ठीक है, और कंपनी भी कोई वेल रिप्यूटेड कंपनी हो, मशहूर कंपनी हो, लाइक एडसेंस, लाइक अमेजोन, लाइक क्लिक बैंक, ठीक है, कोई ऐसे ना हो कोई बिल्कुल न्यू कंपनी आई और आपके कहो कि मैंने इस कंपनी से अर्निंग की है इतनी, ठीक है। तो ये आप लोगों को कंपेरिजन मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा किया गया क्वेश्चन है कि हाउ टू सेल योर आवर प्रीमियम डोमेन इन $5 और $9, ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा इसका मेरे पास जो है वो जवाब है, कि आप सपोज स्टार सेलिंग पे जाती हो, डोमेन्स में आपने जाना है, ठीक है, और ऑप्शन पे ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ऑप्शन $9 लिस्टिंग, ठीक है, आपने ये चूज़ करनी है flipa.com पे, ठीक है, और अपना जो है वो वेबसाइट का यूआरएल, अपना ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है, और इसके अलावा आपको चूज़ करने की जरूरत, आपने यहाँ एस्टेब्लिश वेबसाइट में नहीं जाना, स्टार्टर साइट में नहीं जाना, एप्स में नहीं जाना,
डोमेन्स में जाना है, ठीक है, ऑप्शन में जाके आपने उसके बाद अपना आपने अपना पहले अकाउंट लॉगिन कर लेना, अकाउंट साइनअप करके। अच्छा, कुछ लोग ना फ्लिपा पर क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों को ये इसलिए मैंने जो है वो इसको हाईलाइट आज किया बेसिकली, कुछ लोग क्या कर रहे हैं फ्लिपा पे ना वेरिफिकेशन पूरी नहीं करवा रहे, ठीक है, मैं आप लोगों को फिर बता दूँ। कि जो है ना फ्लिपा पे अगर बेचना है ना तो आप ना फ्लिपा पे अपना मोबाइल वेरिफिकेशन एंड $5 क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन ये पूरी करके रखो, ठीक है, और जो है ना और जिस अकाउंट से आप जो है काम कर रहे हो ना उससे कोई ऐसी एक्टिविटी मत करो कि कल को आपका अकाउंट जो है वो लिमिटेड हो सके, ठीक है, यानी कि ऐसे खाम खामे किसी दूसरे डोमेन पे बिड मत करो, पहले एक दो साइटें तीन साइटें बेचो, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम डोमेन यहाँ बेचने के लिए आपको अगर आप फ्लिपा पे बेचते हो ना तो आपके लगेंगे $9, $9 जैसे आपको लिस्टिंग की फीस नज़र आ रही है, $9, ठीक है, ये आपकी जो है वो लगेगी। इसके अलावा आपने कोई मजीद फ्लिपा को पे नहीं करना, वेरिफिकेशन करवाने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेरिफिकेशन के तो $5 एक ही दफ़ा लगेंगे ना, उसके बाद जितनी मर्जी आप $9 में डोमेन्स अपनी लिस्ट कर दो, एक वक्त में एक ही ऑप्शन में डोमेन चलाओ फ्लिपा पे, ठीक है। अच्छा, और फ्लिपा का जो सेल्स लेटर है ना इसके बारे में अक्सर लोगों को पता ही नहीं है, अक्सर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, तो आपने क्या करना है fiverr.com पे जाके, ठीक है, fiverr.com पे जाके आप ये फ्लिपा का जो सेल्स लेटर है ना ये आप लिखवा सकते हो, यहाँ से भी मैंने एक दो दफ़ा लिखवाया है फ्लिपा का सेल लेटर, ठीक है, यहाँ पर जस्ट आप जाके फ्लिपा लिखो, ठीक है, fiverr.com पे जाके, ठीक है, और आपको क्योंकि जब आप इस पर सेल करते हो ना अपनी वेबसाइट लिस्ट करते हो बेसिकली फ्लिपा पे, तो आपको सेल लेटर की ज़रूरत होती है, और सेल लेटर में आपने ना अपनी डोमेन से रिलेटेड बिकी हुई पहले की डोमेन्स की लिस्टिंग जो है वो आपने यहाँ पर जो राइटर है उसको भेजने, ठीक है, ये है आई विल राइट सेल लेटर फ्लिपा सेल लेटर, ठीक है, फॉर डोमेन, इस पर्सन से जो है मैंने लिखवाई है, ठीक है, आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हो और फ्लिपा का सेल लेटर लिखवा सकते हो, वरना जैन है, मैंने जैन से लिखवाई थी अपनी artculture.com के लिए, ठीक है, और मैं ज़्यादातर उसी से काम करवाता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए जो है वो ज़्यादा आसान है उसको समझाना कि मुझे किस तरह का सेल लेटर चाहिए, मार्केटिंग के वर्ड्स होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं कि वो यूज़ किए जाए ताकि आपकी फ्लिपा की जो लिस्टिंग है वो अच्छी कीमत में बिके। अच्छा, तो ये फ्लिपा सेल लेटर ज़रूरी है, लाइक इसको मैं कहता हूँ $5 में ये जो है इसकी फाइवर से लिखवाता हूँ या जैन से लिखवाता हूँ सपोज, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना प्रीमियम डोमेन बेसिकली कहते हैं किसको है, मैं इस पर इसको थोड़ा सा मजीद हाईलाइट कर दूँ, एज्ड हो तो अच्छी बात है, ठीक है, .com, .net, .org हो, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, और उसके अलावा अथॉरिटी हो लाइक मोस्ट डोमेन अथॉरिटी पेज रैंक, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अगर ये चीज़ें नहीं भी है ना तब भी आपकी प्रीमियम डोमेन हो सकती है, अगर आप मेरे पहले वाले फ्री जो लेक्चर उसको वॉच करो, उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि प्रीमियम डोमेन कहते किसको हैं, ठीक है। अक्सर लोग अब क्या कर रहे हैं, जो मिस्टेक कर रहे हैं ना, मैं फिर उसको हाईलाइट यहाँ पे कर दूँ कि वो कर कह रहे हैं लाइक वो ऐसी डोमेन ले रहे हैं लाइक डोमेन डॉट पी डब्ल्यू, ठीक है, या ले रहे हैं सेल योर डोमेन डॉट विन,
कोई तुक ही नहीं बनता इतनी लंबी डोमेन लेने का। अगर इतनी इतनी लॉन्ग आपने डोमेन लेनी है मिसाल है, तो आप फिर डॉट कॉम डॉट नेट डॉट ओ आर जी में क्यों नहीं लेते, फिर यहाँ पर क्यों आए हो, नई एक्सटेंशन की तरफ क्यों आए हो। शॉर्ट डोमेन लो, शॉर्ट नेम, वन वर्ड वन लेटर डोमेन फाइंड करो, ठीक है। लाइक मैं मिसाल देता हूँ, वन डॉट पी डब्ल्यू, ठीक है, या जैसे एक डोमेन बिकी थी एक्स ई डॉट पी डब्ल्यू, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सिंगल वर्ड है, ठीक है, जी डॉट पी डब्ल्यू, ठीक है, ये जो है $200 में जो है वो एंडू है, बट ये थोड़ी सी महंगी बिकी होगी, ठीक है। जस्ट आप लोगों को ओवरव्यू यहाँ देते हैं, ये देखो हैंडी डॉट पी डब्ल्यू, ये सारे इसके पास पैसे तो ये नेम्स हैं, ठीक है। ये देखो ये पी डॉट पी डब्ल्यू $8,000 की, डब्ल्यू डॉट पी डब्ल्यू $8,000 की। देखो इसमें मैं फिर बता दूं कि इसमें कोई चक्कर ऐसा नहीं है कि आपको वेबसाइट जो है वो होस्ट करनी है कहीं पे, जस्ट डोमेन बाय करो और उसको सेलिंग पे लगवा दो। नाम जो है शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, और ये देखो ये साइट बिल्डर है तो ये इसका कोई जो है वो मकसद बन रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद सपोज रेड है तो ये एक बड़ा अच्छा कलर में से एक अच्छा नेम है, ठीक है, टारगेट डॉट पी डब्ल्यू, ठीक है। अब आप लोग जो अजीब अजीब डोमेन्स फाइंड करके और कहो कि ये मैं खरीद लूं, तो इस तरह की डोमेन मत लो जिसका कोई तुक ही ना बनता हो। इतना लंबा नाम अगर आपने लेना है, ठीक है, इतने लंबे लंबे नाम से बेहतर है फिर ये डॉट कॉम में आप सर्च करवाओ और फिर तो उसको बेचने की कोशिश स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्रीमियम डोमेन मैं फिर बता रहा हूँ वो होता है जो एक तो याद रहने वाला नाम हो, बहुत शॉर्ट नेम हो, अगर नहीं है शॉर्ट, अगर थोड़ा सा लॉन्ग है तो एज्ड डोमेन हो, यानी कि पुरानी डोमेन हो, जैसे मैंने 13 साल पुरानी डोमेन एक आर्टिकल चल ली, ठीक है, फिर वो डॉट कॉम डॉट नेट डॉट ओ आर जी में हो, अगर वो शॉर्ट नहीं है तो, तब बता रहा हूँ, ठीक है। लाइक आर्ट कल्चर कोई शॉर्ट नेम नहीं है, बट मकसद बनता है, कुछ समझ आती है आर्ट कल्चर, ठीक है। ऐसे ही HTML5 कितनी पुरानी साइट है वो बताया हुआ है। मैं देखो कोई मकसद बनता हो, आप अजीब अजीब डोमेन फाइंड कर लो फिर को ये बिक जाएगी ये बिक जाएगी, ऐसे नहीं होता। शॉर्ट नेम फाइंड करो, लाइक देखो आयरन डॉट पी डब्ल्यू चाहे $110 की बिकी है, अगर आप एक डोमेन $1 की लो, मिसाल दे रहा हूँ $1 की डोमेन आप ले रहे हो, $110 की बेच रहे हो, यार $109 कोई आप लोगों के लिए कम पैसे हैं? थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो, आप लोग एक्टिव बैठे हो उस टाइम, समझ आ रही? लॉजिक बननी चाहिए ना, लॉजिक ही नहीं होती, अजीब नाम आप लोग बता रहे होते हो। बहुत अच्छा नाम लिया है जुबैर, नाम नहीं दूसरों को बताना चाहता। जितना ज्यादा बड़ा पैकेज आप लोगे ना, वो स्टार्ट में आपको इतना बड़ा पैकेज फ्लिपा का लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट डोमेन की लिस्टिंग वाला $9 वाला लो, आराम से डोमेन ने बिक जाना है। हाँ अच्छा, अब डेज जब आप लिस्ट कर रहे होते हैं ना, उसमें डेज जो आप लगाते हो या 14 डेज दो या दो 28 डेज, ठीक है, ये चीज बड़ी मेन है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप जो है जब आप लिस्टिंग स्टार्ट करते हो ना, ना फ्राइडे हो ना सैटरडे हो ना संडे हो ना मंडे हो, ट्यूसडे हो वेडनेसडे हो थर्सडे हो, इन 3 में से एक दिन हो, क्योंकि ये वर्किंग डेज होते हैं, ठीक है, इनमें ज़्यादा आपको बायर अच्छा मिलेगा। स्टार्ट डे भी यही हो और एंड डेट भी यही हो, यानी कि इन 3 दिनों में से कोई एक दिन हो, आजमाई हुई बात बता रहा हूँ, ठीक है। अपनी लिस्टिंग को इन 3 दिन के अलावा कोई दिन नहीं, किसी दिन में लिस्ट नहीं करना और ना ही इसका कोई एंडिंग डे जो है वो इसके अलावा कोई हो, ठीक है। कोई देख लेना, कोई इवेंट ना आने वाला हो, जब आपकी वेबसाइट एंड होने वाली हो कोई इवेंट ना आने वाला हो, हर चीज़ को देख के सोच समझ के फिर डोमेन को स्टार्ट भी करना है और एंड डेट भी रखना है, ठीक है। अच्छा 14 डेज के अलावा भी 16 भी रख सकते हो, 18 भी रख सकते हो, कम अज़ कम 14 डेज रखो, ज़्यादा से ज़्यादा 28 या जो भी 30 दिन है सपोज वो रख दो। फ्लिपा की बात करो, प्रीमियम डोमेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत आसान मेथड है, इससे बहुत लोग कमा रहे हैं, मैं एक एक को आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मेरा ज़्यादातर जो टाइम लगता है ना, या SEO में है या डोमेन प्रीमियम डोमेन्स लेना बेचना रखना, उनको टाइम पे बेचना, कोई नया बायर आ गया उसको दे देना, ये इस तरह के मैं मुख्तलिफ चीज़ों पर इन्वेस्ट करता हूँ, उनमें से एक प्रीमियम डोमेन भी है मेरा अर्निंग का सोर्स, ठीक है।
तो आप लोगों को मैंने दिखाया है, अगर मुझे ना आता होता तो मैं कभी भी आप लोगों को ये जो लाइव केस स्टडी है वो ना दिखाता, आर्ट कल्चर वाली, ठीक है। उससे पहले भी डोमेन्स मैंने बहुत से लोगों की डोमेन्स जो है वो बिकवाई हैं, उनको जो है आइडिया दिया है, उन्होंने बेची हैं। एक बंदा, एक मेरा दोस्त था, $200 उसकी वेबसाइट दे रही थी उसकी साइट ऐसे कि म्यूजिक टाइप की थी, मैं इस तरह की साइटों पर काम नहीं करता, उसकी साइट थी, उसने मुझे कहा कि मैंने ये बेची है। उसकी साइट मैंने फ्लिपा पे सेल करवाई थी, $1900 की उसने बेची थी, ठीक है। बहरहाल बहुत सी मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं इसमें भी, इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ, लेट मत करो। बहुत कम प्राइस में आप बहुत अच्छी डोमेन्स ले सकते हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करके दिखा दिया, प्रीमियम डोमेन का। आज के बाद कोई बंदा ऐसी बात ना करे कि लाइक इतने लंबे लंबे नाम खरीद कर आप आ जाते हो और कहते हो ये लो जी ये मेरी प्रीमियम डोमेन है, क्या मैं ये बेच दूँ। आज के बाद जब भी मुझे डोमेन दिखानी है ना, तो सही असल जो है वो उसके अंदर सारे फैक्टर आते हों, ठीक है, या एटलीस्ट वो इतनी शॉर्ट हो कि देख के पता चले कि बाकी ये प्रीमियम डोमेन के तौर पे बिक जाएगी, ठीक हो गया। ओके, ये था एक फ्लिपा पे बेचने का तरीका का। दूसरा है ऑक्शन डॉट गो डेडी डॉट कॉम, ये सेकंड प्लेटफॉर्म है डोमेन बेचने के लिए, ठीक है। और जो एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंसिव है ना, उनको आपने नहीं लेना, उस तरह की आपने फाइंड करनी है। आखिर जिसकी थी डोमेन तो वो भी तो, उसने भी तो कहीं ना कहीं से सोची है ना। देखा क्या नाम आपने शॉर्ट शॉर्ट नेम बताया, इरफान, बहुत अच्छी डोमेन आपने ली है, ठीक है। ये है शॉर्ट नेम, मकसद बनता हो, ठीक है। और एक्सटेंशन में डॉट पीडब्ल्यू, ठीक है, बाय करो, या अगर सपोज डॉट रिव्यू लेनी है तो कोई प्रोडक्ट हो उसकी डॉट रिव्यू लो, ठीक है। अगर सपोज डॉट विन लेनी है, उससे पहले कोई वर्ड उसका मैच होता हो, समझ आ रही है, एक्सटेंशन ऐसे ना बाय करो। अच्छा, ये है गोडेडी ऑप्शन, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, बट इसलिए दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बहुत से लोग ना फिर भी बताने के बावजूद भी अजीब ही कंफ्यूज होके बैठे रहते हैं। तो गोडेडी ऑप्शन पे आपको लिस्टिंग लिखवाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आपको जस्ट $5 पे करना होते हैं लिस्टिंग फीस, और वो भी आप तब पे करते हो जब आपने ऑक्शन रिजर्व प्राइस देनी होती है, वरना गोडेडी ने अपनी मर्जी से डोमेन को बेच देना है, ठीक है। आपने आपने ना इस पे जो डोमेन लगानी है ना, मिसाल सेलिंग लिस्ट में जाके लिस्ट डोमेन, ठीक है। अच्छा, इस पे ना आप किसी और रजिस्ट्रार से बाय की हुई डोमेन भी लगा सकते हो, बट उसको आपको वेरीफाई करवाना होगा, और वो वेरीफाई ये इस तरह करते हैं कि जो आपका गोडेडी का अकाउंट जिससे आप लिस्ट कर रहे हो, इसमें जो डिटेल्स हैं और जो रजिस्ट्रार जहां से आपने वो डोमेन बाय की है उस पे जो डिटेल्स हैं उनको मैच भी करते हैं। उसके अलावा भी अगर इनकी सपोर्ट से आप बात करो, तो अगर नहीं भी मैच होता ना, तो आप उस डोमेन को वेरीफाई करवा सकते हो सपोर्ट से। हर सपोज आपका कोई पाइनियर का मसला है, सपोर्ट से बात करो। कोई डोमेन का मसला है, डोमेन रजिस्ट्रार से बात करो। कोई होस्टिंग का मसला है, होस्टिंग की सपोर्ट से बात करो। आप लोग इधर उधर नेट पे ढूंढने लग जाते हो कि ये मसला कैसे हल होगा, ये मसला कैसे हल होगा। जो कंपनियां अच्छी कंपनीज है ना, उनकी सपोर्ट आपको प्रॉपर रिप्लाई करेगी। आज ना सही, कल सही, कल ना सही, परसों सही, रिप्लाई आ जाएगा। मैं जितना भी काम करता हूँ मैं किसी से हेल्प नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह ताला मेरे साथ है। मैं जस्ट उस कंपनी की सपोर्ट से हेल्प लेता हूँ, नहीं आता देन मैं इंटरनेट पे उसको फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ओके, जहाँ आपने डोमेन देनी है, मैं मिसाल देता हूँ, मैं मिसाल
ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि हमारी जो मतलूबा एक्सटेंशन है PW वो है कि नहीं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ हो, इसमें मौजूद हो। बाकी सब हैं, PW एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं आई, इन्होंने अभी तक उसको सपोर्ट नहीं किया। मैं मिसाल देता हूँ कि मेरे पास विन की डोमेन है, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा भी करेगा publishing.win, यहाँ से 7 डे पब्लिक ऑप्शन, जो मैं अपना तरीकाकार बता रहा हूँ कि किस तरह से मुझे अच्छी कीमत में मेरी डोमेन जो है वो बिकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना ये ऑप्शन किसी किसी को मालूम होता है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये अप्रेजल करेगा गोडेडी ऑप्शन वाले, गोडेडी ऑप्शन का जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली आपकी डोमेन की प्राइस आपको बताएगा कि इतने की डोमेन होनी चाहिए। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अलाउ पॉपअप्स, ठीक है, व्यू अप्रेजल, ठीक है। ये गोडेडी का सर्टिफिकेट है कि ये $24 से लेके $96 की डोमेन होनी चाहिए, ठीक है। ये आप सेव कर लो एज अ प्रूफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब रिजर्व प्राइस देते हो ना कि मैं इससे कम की नहीं बेचना चाहता, तो फिर आपको ये चार्ज करेगा, ठीक है। यहाँ से हमने पेमेंट का अपना जो है वो प्रोफाइल के लाइक, मुझे पेमेंट जब मेरी डोमेन बिक जाए तो कौन से मुझे पेमेंट मेथड से पेमेंट मिले। मैंने यहाँ पर सेव किए मैं पेपाल अपना, ठीक है। आई हैव रीड पे क्लिक करना है। ये दोनों ऑप्शन ना इतना फ़ायदा नहीं देते मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ से हमने अपनी डोमेन की कैटेगरी सिलेक्ट करनी, लाइक मेरी डोमेन है इंटरनेट, इंटरनेट में कह लो कि जनरल, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग बिड करूँगा $20 कम अज़ कम, रिजर्व प्राइस में यहाँ पर देखता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ मेरी जो डोमेन है ना publishing.win, जो भी आपकी प्रीमियम डोमेन है, प्रीमियम डोमेन वाकई प्रीमियम होनी चाहिए, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं रिजर्व प्राइस यहाँ पर दूंगा ना, तो मैं दूंगा यहाँ पर सपोज मैं कहता हूँ कि $100 का है ना, तो मैं तकरीबन $300 की मिसाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर टाइमिंग में जो PM में ना 10 to 11 जो है वो करनी है, ये 7 to 8 PM, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह यह कि ये टाइमिंग लाइक इवनिंग की टाइमिंग है, इस टाइमिंग में बिकेगी। और ये हमारे जो हमने जो सेव किया होता है ना अपना सेटिंग में उसके मुताबिक, ठीक है। तो ये इस टाइमिंग में एंड लिस्टिंग होगी, तो मैं देख सकता हूँगा कि भाई इतने जो इतनी इस पर बिड लग चुकी है, ठीक है। तो मैं एडिट करके उसकी रिजर्व प्राइस कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं $4.99 पे करूँगा, जैसे फिनिश पे क्लिक करूँगा ना, ये आगे कहेगा कि $4.99 पे करो और ये डोमेन जो है वो लिस्ट करने के लिए पेमेंट ले लेगा। बट उसके बाद फिर मुझे ईमेल आएगी 24 से 48 घंटे में, क्योंकि ये डोमेन मैंने गोडेडी से नहीं ली। अगर गोडेडी से आप डोमेन लो ना और फिर अपने उसी अकाउंट में ऑक्शन में जाकर लिस्ट कर दो, तो वो डोमेन ऐसे फौरन फौरन जो है वो कह लो कि 1 घंटे में एक्टिव हो जाएगी और वो गोडेडी के ऑक्शन में शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं जो है मोस्ट ऑफ द टाइम गोडेडी ऑक्शन में डोमेन जब बेचने लगता हूँ ना, तो मैं वहीं से डोमेन लेके वहीं पे फिर लिस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बड़े एक्सप्लेन करके बता दी हैं कि गोडेडी ऑप्शन में आपने क्या क्या चीज़ का ध्यान करना है, ठीक है। और गोडेडी पे ये थोड़ा सा इशू है कि गोडेडी जब भी आप डोमेन दोबारा आपकी सपोज एक दफ़ा में अच्छी प्राइस नहीं लगी, जब आप रीलिस्ट करोगे ना फिर $5 लेगा, तीसरी दफ़ा रीलिस्ट करोगे फिर $5 लेगा, यानी कि हर दफ़ा रीलिस्ट पे गोडेडी ऑप्शन $5 चार्ज करता रहेगा। आप रिजर्व प्राइस ज़रूर रखो, वरना गोडेडी जो है वो जितनी भी बिड लास्ट लगी उस पर आपकी डोमेन बेच देगा, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप अकाउंट वरना गोडेडी लिमिटेड कर देगा, ठीक है। क्या हो सकता है आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे अगर आपने उस कीमत पे ना बेची, ठीक है, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन आप खुद अलाउ कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, बट फ्लिपा पे यह है कि आप रीलिस्ट फ्री करते हो, ठीक है। बट आजकल फ्लिपा ने ये काम लगाया हुआ है कि फ्लिपा भी दोबारा से रीलिस्ट नहीं करने दे रहा, ठीक है। इन चीज़ों का आपको सब चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें इसलिए दोबारा एक्सप्लेन की हैं, कुछ नई चीज़ें बताई हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी भी जो है वो कहते हैं कि हमें कोई गाइड नहीं करता, कोई मोटिवेट नहीं करता, कोई प्रॉपर गाइड हमें गाइडेंस मिलती नहीं है।
तो आप लोगों के लिए मैंने ये फ्री वेबिनार रखा है ताकि आप लोगों के मैक्सिमम सवालों के जवाब मिल सकें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन। ठीक है, स्टार्ट हो गया। जी, आपने प्रीमियम डोमेन पे गलती की है ना। ठीक है, इस तरह ना करना। ठीक है, ठीक है जमाल। फ्लिपर अकाउंट बैंड हो जाए, रीओपन रीओपन करने के लिए आप सपोर्ट को कांटेक्ट करो इरफान, और उनको जो है उनसे रीज़न पूछो, जो रीज़न कहें। अगर आप समझ आती हो आपने कहीं गलत बिड ना की हो, उसकी वजह से भी शेडो बिडिंग कहते हैं ये लोग। ठीक है, और उसके अलावा ये डिटेक्ट कर लें कि आप किसी अपने दोस्त के अकाउंट पे कर रहे हो, तो वो आपने डिनाई करना है। आपने ये नहीं कहना कि वाकई मेरे दोस्त का अकाउंट है। ठीक है, उसको उनको जो है जो लाइक पासपोर्ट इंग्लिश जो है वो कोई डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर वो करेंगे, लाइक पासपोर्ट की जो है वो स्कैन कॉपी। क्योंकि हमारा पाकिस्तानी उर्दू में जो कार्ड बना हुआ है CNIC वो एक्सेप्ट नहीं करते फ्लिपा वाले, तो वो आपका अकाउंट रीओपन कर देंगे। इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है फ्लिपा की। सर डोमेन की एज कैसे चेक करेंगे? अच्छा, डोमेन एज कैसे चेक करेंगे? यार बहुत अच्छा आपने सवाल किया वकास खान, डोमेन की एज कैसे चेक करेंगे? बहुत सी साइट्स हैं जहाँ से आप डोमेन की एज चेक कर सकते हो। लाइक मैं ये कहता हूँ कि whois.domaintools.com, जो हुईज सर्वर होता है ना वो चेक करके वहाँ से आप चेक कर सकते हो। लाइक who.is एक साइट और है whois.net। लाइक अभी जो डोमेन एक बेची थी आर्ट कल्चर, इसको चेक करते हैं। ठीक है, वो डॉट इस पे चेक करते हैं। सॉरी ओके, हुई लाइक जो हुईज कंपनीज होती है ना। ठीक है, जो हुईज आपको चेक करके बताती हैं, वहाँ पे आप उसकी डोमेन की एज चेक कर सकते हो। वरना उसके अलावा भी डोमेन एज चेक करने की बहुत सी और भी वेबसाइट्स हैं, बट आप यहाँ पर आराम से डोमेन की एज जो है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, ये 2002 में ये रजिस्टर हुई थी और 2015 है, तो इसको 13 साल हो गए हैं। ठीक है, और ये इसकी जो रिन्यूअल है वो 2016 तक है, यानी कि ये बेसिकली एज है। आप जो क्रिएटेड ऑन आ रहा होता है ना, क्रिएटेड ऑन को आप देखो और उसको काउंटिंग कर लो कि डोमेन की एज आपको वैसे पता चल जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा डोमेन एज चेकर के नाम से एक टूल भी होता है, डोमेन एज चेकर। ठीक है, ये भी आप गूगल में जाके फाइंड करोगे, आपको डोमेन एज चेकर टूल मिल जाएंगे। आपने अपनी डोमेन जो है वो उसके जरिए चेक कर सकते, लाइक ये मून से सबसे अच्छा टूल है, मून से। यहाँ पर आप डोमेन अपनी दोगे तो ये बता देगा कि कितने साल पुरानी आपकी डोमेन है। ठीक है, ये डोमेन एज। जस्ट मैंने मुझे इस सवाल का जवाब देने दो, उसके बाद बताता हूँ। artculture.com ठीक है, ये आप चेक करके बताएगा, हु इज रिकॉर्ड चेक करेगा, वहां से बताएगा कि डोमेन की एज क्या है। बेसिकली ये डोमेन की एज बता रहा है 13 years 5 months। ये डोमेन रजिस्टर्ड 2002 में, एक्सपायर होगी 2016 में। ठीक है, ये डोमेन की एज बताने का टूल है। ठीक हो गया, डोमेन किस तरह लेना है, डोमेन किस तरह लेना है, वो पहले वाला मेरा वेबिनार वॉच करो, तो वो मैंने उसमें बड़ा क्लियरली बताया, लास्ट वाला था। अच्छा, प्रीमियम डोमेन मिल रही है तो ले लो, सोचते क्या हो जाए। ठीक है, फ्लिपा पे $300 वाला ऑप्शन क्या है? $300 देखो, फ्लिपा पे बहुत से ऑप्शन है, फ्लिपा ने कमाने का बहुत सारा तरीका रखा हुआ है। लाइक फ्लिपा वाले कहते हैं कि आपकी डोमेन अगर वाकई प्रीमियम है और उस पर बिड लग रही है। ठीक है, लाइक आपने सपोज
14 डेज अपनी लिस्टिंग का ड्यूरेशन रखा, उसके बाद ड्यूरेशन रखने के बाद ना आपको उस पर बिड आने लगी, लाइक उसका बायर मौजूद था, उसका बायर मौजूद होने की वजह से उस पर बिड लगी। अब दो दिन रहते हैं आपकी डोमेन में, आप चाहते हो लाइक आपको लास्ट बिड लगी है, मिसाल है आपकी एक्सपेक्टेशन के करीब लगी है या उससे ज़्यादा लग गई है, लाइक आपने सोचा था $1,000 लग गई है बिड $1,200 की मिसाल है। अब इट मीन्स कि इसका बायर मौजूद है, अब आप ना उसको अपग्रेड कर लो लिस्टिंग को, ठीक है। ये नहीं कि आप एकदम से $300 पे पहुंचो, नहीं, लाइक उसका कोई आप देखो कि वो इनके जो सब्सक्राइबर हैं फ्लिपा के पास जो ईमेल लिस्ट बिल्ड की हुई है इन्होंने, उनको कितने में कर रहे हैं, ठीक है। वो अपग्रेड आप लिस्टिंग कर सकते हो, बट समझदारी के साथ काम लेना है। ये नहीं कि सारे ऑप्शन चूज करके और आपने $300-$400 की इनवाइस पे कर दो पकड़ के, ठीक है। लाइक समझदारी से काम लो, ना भी आप करो ना, ना भी अपग्रेड करो, फिर भी आपकी डोमेन जब जा रही है अच्छी तो उसको बिकने दो, मजीद पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। फ्लिपा तो कहेगा ना कि वो मजीद अपग्रेड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। यार इतने बड़े बड़े नाम मत लो, ठीक है, इतने बड़े बड़े नाम मत लो, इतने बड़े बड़े नाम है, ये नाम सही नहीं है उस्मान जो आपने कहा, ठीक है। नहीं नहीं ALP नेम्स का ये जो नाम आपने बताया ना ये मत लेना हमजा। अच्छा जमाल, मैं इन्वेस्टमेंट किसी के साथ फिलहाल नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ .biz भी अच्छी एक्सटेंशन है, ठीक है। .co.uk देखो आप लिस्टिंग में, अगर लिस्टिंग में मौजूद है ना एक्सटेंशन तो डेफिनेटली होगी, नहीं है मौजूद, सपोर्ट नहीं करे गो रेडी वाले तो डेफिनेटली नहीं होती होगी। अगर डोमेन नहीं नहीं अगर आपकी दो डोमेन्स हैं तो अलग अलग पे करके अलग अलग लिस्ट करना होगा। और ये तजर्बे में यही आया, एक्सपीरियंस में ये बात सामने आई है कि एक वक्त में एक ही लिस्टिंग चलाओ तो ज़्यादा बेहतर है, उसको तवज्जा दो, ठीक है, उसको एक्टिव रखो, ठीक है, तो वो आपको अच्छा पे कर रिटर्न वहाँ से मिल सकता। अच्छा ठीक है, आप मुझे ठीक है, इतना बड़ा नाम मत लो, ठीक है, इतना बड़ा नाम शेयर नहीं लेना, ठीक है। मल्टीपल अकाउंट्स का भी इशू है इरफान, डेफिनेटली है, फ्लिपा नहीं चलाने देता। अच्छा शेब, ये नाम भी सेकंड वाला भी सही नहीं है, हमने सेकंड सोल बताया है वो सब डोमेन के लिए है। गोडेडी ऑप्शन वो डोमेन्स के लिए है। थर्ड वाला भी शेब अच्छा नाम नहीं है, रॉबिन गुप्ता नहीं सही काम कर रही, ठीक है। जमाल डोमेन को हम कितने साइड पर, अच्छा एक डोमेन को एक वक्त में एक ही साइट पे लगाना है। फ्लिपा पे लगाया है तो गोडेडी ऑप्शन पे मत लगाना, गोडेडी ऑप्शन पे लगा दिया तो जब अच्छी तरह उसको देखो, लिस्टिंग जब एंड हो जाए उसके बाद फ्लिपा पे लगाना, ऐसे ना करना एक जगह। हाँ हाँ जमाल मुझे आपकी बात समझ आ गई थी, न्यू डोमेन में ज़्यादा प्रॉफिट है। यार देखो एज डोमेन, अगर आप वाकई में एज डोमेन ले रहे हो, उसका कोई मकसद बनता है, नाम शॉर्ट है या नाम का कोई मतलब बनता है, तो एज डोमेन बेस्ट इन्वेस्टमेंट है .com.net या .org में। वरना न्यू अगर लेनी है तो एक्सटेंशंस के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अच्छा डोमेन अगर बिक जाती है ना तो ALP नेम्स में डोमेन की उसमें जाते हैं ना, अपने अपना ALP नेम्स का अकाउंट लॉग इन करके दिखाता हूँ। ये भी सवाल बहुत अच्छा कर लिया है, ठीक है, अरशद अली ने। अगर आपकी डोमेन ALP नेम्स के अंदर आपने प्रीमियम डोमेन ली है और वो बिक जाती है तो अब आपने ट्रांसफर कैसे करनी है न्यू ऑनर को, उसको आप जस्ट सिंपली है कहोगे कि ALPnames.com पे जाके अकाउंट साइन अप कर ले, ठीक है, फ्री अकाउंट साइन अप कर ले, उसके बाद यहां से आपने पुश डोमेन का ऑप्शन यूज करना है, मैं अभी बताता हूँ। माय अकाउंट में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मजीद इसको गाइड कर सकूँ, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन।
डोमेन पे आपने क्लिक करना है जिस डोमेन को आपने ट्रांसफर करना है, ठीक है। ओके ओके, डोमेन को आपने क्लिक करना है अपना एएलपी नेम्स में, लिस्ट सर्च ऑर्डर्स में जाके जो आपकी डोमेन है वो आपकी लिस्ट आ जाएगी डोमेन की, जिस डोमेन को आपने ट्रांसफर करना है यानी कि जो बिक गई है उस पर क्लिक करना है, उसका डोमेन का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पर ना ये ऑप्शन आ रहा है मूव सर्विसेज का, इस पर आपने क्लिक करना है और जो जिस बंदे को डोमेन आपने बेची है उसका कस्टमर आईडी alpnames.com का उसका कस्टमर आईडी एंड उसका ईमेल एड्रेस लेके मूव सर्विसेज टू अदर कस्टमर इस पर क्लिक कर दो, वो डोमेन उसको ट्रांसफर हो जाएगी और तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे डोमेन उसके alpnames के कंट्रोल पैनल में होगी, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है डोमेन को पुश करने का, किसी और रजिस्ट्रार पे करनी है उसका फिर अलग लंबा प्रोसेस है, वो आप जो है वो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि दूसरे रजिस्ट्रार पे कैसे करवानी है, ठीक है। अच्छा, मिनिमम एज 3 साल भी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है, नाम पे डिपेंड करता है कि डोमेन का नाम क्या है। ओके, लंबा नाम है फहद ये भी, आप किसी अच्छे जो है ना उससे फ्लिपा के उससे लिखवाओ जो अच्छा लिस्टिंग लिखने वाला हो, ठीक है। हाँ, नाम आपका अच्छा है, बिलाल, बिलाल थारा। नहीं नहीं ख़त्म नहीं होती, अगर आपने किसी ऐसे रजिस्ट्रार से बाय की है ना जो फजूल सा रजिस्ट्रार था, ठीक है, या किसी ऐसे बंदे ने वहाँ से बाय की है जो इतना मशहूर रजिस्ट्रार नहीं था, तब तो उसकी रजिस्ट्री समटाइम डिलीट भी हो जाती है। मैं डोमेन की तो इतनी देर से बात बता रहा हूँ कि सिर्फ डोमेन भी आप बेच सकते हो। आज का आधे से ज़्यादा लेक्चर था ही इस पे कि प्रीमियम डोमेन खाली डोमेन कितने की बेचनी है। मैंने तो वेबसाइट की बात ही नहीं, पहले वेबसाइट की बात की थी, उसके बाद वेबसाइट की तो बात ही नहीं की मैंने। नहीं, वकास ये अच्छा नाम नहीं है जो आपने बताया, अजीब सही है, देख लो उसको। बासित नॉर्मल है, ये कोई ब्रांड डोमेन कोई अच्छी सी बाय करो, अगर ब्रांड डोमेन की ठीक हो गया। हाँ जी, हो जाती है, ठीक है। डॉट ग्लोबल नहीं, इस तरह के एक्सटेंशन मत में मत लो, डॉट pw लो। हाँ ये चले, वालेकुम सलाम। हाँ बेशम, ये अच्छा नाम है। हाँ मोहम्मद हमजा, ये नाम अच्छा है, इतना लंबा नाम। अरसलान अरशद आपने बताया, ठीक है। हाँ ये अच्छा नाम है, नूर अच्छा नाम है। पहले इन्वेस्टमेंट की थी ना, अभी नहीं कर रहा। कौन सी जहीर, आपकी डोमेन मुझे नहीं पता चली। हाँ जो जो आज मैंने आप लोगों को सोर्स बताया ना स्टार्ट में, EmpireFlippers, वो वेबसाइट को सेल करने का सोर्स है, मैंने बताया भी है स्टार्ट में कि ये वेबसाइट को सेल करने का सोर्स। उसके बाद 2 सोर्सेज बताए हैं, एक फ्लिपा एंड एक गोडेडी ऑक्शन, वो डोमेन को सेल करने के सोर्सेज हैं। इरफान अच्छा, ये अच्छी, इसकी एज अच्छी है। हाँ ये अच्छा नाम है हमजा। हाँ उसामा, ये अच्छा नाम है, शॉर्ट नेम है। रेट के लिए तो आप देखोगे ना कि रेट आपने मैंने बता तो दिया। हाँ कमाल, ये अच्छा नाम है। हाँ 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 शुएब, क्या नाम आपने बताया, ये नाम अच्छा है, ठीक है। शमान मुझे आपके मैसेज नहीं मिल रहे। बिलाल ये ले लो, नाम बहुत अच्छा है, इसको मत छोड़ना। नहीं नहीं इतना लंबा नाम है। हाँ शुएब बहुत अच्छा नाम है, इतना शॉर्ट नेम है यार, शॉर्ट नेम मत छोड़ो।
आज नहीं बिकेगी कल बिक जाएगी यार, इतना शॉर्ट नेम है, इसको टू लेटर आप डोमेन कह लो, ये वन वर्ड भी बन रहा है टू लेटर भी बन रहा है। नहीं सर मत, मुझे आपका मैसेज नहीं मिला। अच्छा हाँ सरमत, आपने जो डोमेन बताई है ना, ये भी शॉर्ट नेम है, अच्छा नाम है ये, ले लो। डॉट इन एक्सटेंशन भी बहुत जल्दी बिकती है। हाँ अली रजा, आप ना imfizan.com पे वीडियो वॉच कर सकते हो, प्रीवियस ना imfizan.com पे, ठीक है। इस पे सक्सेस स्टोरीज भी टाइम टू टाइम मैं पब्लिश करता रहूँगा, ठीक है। अभी जो है ये सक्सेस स्टोरीज का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर आप जो है वो देख सकते हो कि स्टूडेंट्स कितना अर्न कर रहे हैं। सिक्स्थ बैच इंशाल्लाह दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है, उसकी जो है वो सीट्स ओपन हो चुकी हैं, स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है। SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग का सिक्स्थ बैच इंशाल्लाह, फिफ्थ जो है इस महीने के एंड में एंड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, ये देखो प्रीमियम डोमेन और जितने भी मैंने किए हैं, इन पर बड़ा मैंने टाइम लगाया है सिखाने में और प्रोवाइड करने में, मेरा बड़ा टाइम लगा, आप लोग यहाँ से वॉच कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अजीब सा नाम है शबान, ये नाम ठीक नहीं है। नहीं ई हटा दो शहजाद, ई हटा दो तो नाम अच्छा है। फिर बताऊंगा जुबैर। हसन ये मैंने बताई हुई है, ये है सुमोमी, ये वेबसाइट है, ये फ्री में ये प्लगइन दे रही है। जी 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 एनरोल होना ना, तो उसके लिए seoexpertstraining.com ऑफिशियल साइट है, इस पे कॉन्टेक्ट अस का पेज भी है, ठीक है, और हाउ टू ज्वाइन का लिंक भी है। यहाँ से आप जो है वो फीस भी डिपॉजिट करवा सकते हो और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, अगर पहले से कोई क्वेश्चन है मीन्स के तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, कुछ मजीद हेल्प के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ताकि डे बाई डे मज़ीद सक्सेस मिल सके। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।